फ्रेंड मैं रेनू और आप सब कैसे हैं। ये देखिए फ्रेंड, जब हमारे गुलाब सूख जाए, एक या दो दिन ही देसी गुलाब हमारा रहता है, तो आप यहाँ से इसको देख के काट दीजिए। इससे आपके नई नई दो यहाँ से दो शूट निकलेंगी और ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा फ्रेंड। तो आप समझ गए होंगे, मैंने बताया कि जब फ्लावर हमारा गर्मी में देसी गुलाब एक दिन रहता है और रेनी सीजन में हमारा दो दिन चल रहा है, तो इस तरह मैंने उसको काट दिया है फ्रेंड। अब यहाँ से देख रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये दो शूट निकली है, ऊपर भी निकली हुई है, यहाँ से भी ऐसे वो बर्ड्स निकलेंगी फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसा कि मैं कह रही थी, कल हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप निकली थी और रात में या सुबह में हल्की सी भोर में हल्की सी नाम के लिए बारिश हुई है फ्रेंड, और ऐसी हुई थी कि सारे प्लांट मेरे सूखे हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बुरा हाल है। अभी मैंने वाटरिंग किया है, अभी 15 से 20 मिनट में ये सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा हाइब्रिड हिबिस्किस है, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। 14 इंची के पॉट में लगा हुआ है। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग कब से स्टार्ट होती है फ्रेंड। ये हमारा देसी है और ये हमारा गुलमेंदी, देख रहे हैं। और इसको मैंने देखिए आपके सामने मैंने पिंचिंग कर दिया था, तो देखिए दो तीन तरफ से इसकी शूट्स निकल रही है, जिसका मतलब जितनी ज़्यादा शाखाएं उतने ज़्यादा फूल। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड, ये देखिए हमारा मैक्सिकन पिटूनिया आज तो बिल्कुल फूलों से लदा हुआ है फ्रेंड, देख रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको बिना केयर के ये अच्छे से चलता है फ्रेंड, इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर फर्टिलाइज़र आप देना चाहें तो दे दीजिए, काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बस मस्टर्ड केक है, मैं तो DAP के भी 4-5 दाने डाल देती हूँ फ्रेंड। मगर आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं बता नहीं सकती हूँ, पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ, मगर ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये फ्लावर का पूरा बंच रखा हो, और बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। और मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में, तो मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, मगर ये देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को ये दिखाई देती हूँ। और ये पता नहीं क्यों मेरा रजनीगंधा फ्रेंड अभी ब्लूम नहीं कर रहा है, मैं इसका काफ़ी दिन से वेट कर रही हूँ। ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी, मैंने अभी इसमें काउडंग भी डाला, मैंने आज काफ़ी रोजेज़ में और कुछ ही बिस्किट्स में मैंने काउडंग भी दे दिया है फ्रेंड, क्योंकि मैंने मस्टर्ड केक नहीं भिगोया था तो मैंने काउडंग डाल दिया है। पता नहीं इसमें क्यों फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और एक थंबर जिया मेरा प्लांट है उसमें नहीं हो रही, बाकी सब में तो अच्छी फ्लावरिंग होने लगी, शायद अगस्त लास्ट तक हो फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक बोतल थी वेस्ट मटेरियल की, तो उसमें मैंने रेन लिली के कुछ बल्ब गाड़ दिए थे, देखिए कितने अच्छे से इसमें भी ब्लूम होने जा रहा है, शायद वाइट कलर का है ये। देखिए हमारी कटिंग के रिजल्ट देख रहे हैं, कितना खूबसूरत फ्लावर से ये भी भर जाएगा कुछ दिन में, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तो मैं आइस फ्रेंड, तो मैंने देखा पानी ही नहीं था, मैंने अभी इसमें सब में पानी दिया, एकदम लुढ़के हुए थे, एकदम बिल्कुल निढाल से हो गए थे सारे प्लांट। तो फ्रेंड ये देखिए, एक येलो कलर की रेन लिली भी खिलने वाली है मेरी। उधर देखिए वेनेटिकोमा को उधर ग्रिल से लटका दिया है फ्रेंड, और वो उस साइड में गिर रहा है नीचे की तरफ। और ये देखिए मेरा वो है, तो फ्रेंड हमारा ये देखिए, ये है सुख शांति का पौधा इसको कहते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये बहुत चीज़ों में आपके लिए हेल्पफुल है फ्रेंड, इसको ज़रूर लगाइए। और कहते हैं इसे सुख समृद्धि भी घर में आती है और खुशियाँ भी आती हैं। ये प्लांट देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है, ये मेरा गर्मी में एकदम से बर्न हो गया था, मैंने इसको फिर से लगाया फ्रेंड, और ये इसमें पानी दिया, देखिए ये खूब अच्छे से निकल आया, कितना प्यारा है ये, इसके हेज के रूप में भी काम आता है। और ये खांसी ज़ुकाम बुखार और जिनके बच्चे नहीं होते उनको भी आयुर्वेदिक प्लांट में ये बांझपन में भी ये काम आता है। और ये इसके इतने गुण हैं फ्रेंड कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको, और मुझे इसके बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपसे इसके बारे में पता करके आपसे शेयर करूँगी। इसको कैसी भी मिट्टी में लगाइए फ्रेंड, ये अच्छे से चलता है और बिना केयर के चलता है। तो देख रहे हैं फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये हमारा फाइकस की मैंने 2 कटिंग लगाई थी, देखिए वो भी अच्छे से लग गई है। और ये सब तो मेरे मुरझाए हुए हैं, अभी मैंने पानी दिया है फ्रेंड, तो मैं क्या दिखाऊँ आपको। तो एक नज़ारा इधर भी देख लीजिए, ये जो रोज़ का है। तो फ्रेंड चलते हैं, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।